बच्चों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जो है इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि इब्न बतूता ने भारत में जो है किन किन चीजों को देखा और उसने उन्हें कौतूहल वश होकर देखा और उन्हें उनका जो है वर्णन किया। उन्हीं चीजों में से एक थी संचार की अनूठी प्रणाली, जो कि जहाँ पर हम पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर इसे छोड़ दिया था। अब जो है संचार की अनूठी प्रणाली में बच्चों आज की वीडियो में आपका जो है स्वागत है। हमने जो है पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि इब्न बतूता ने भारत में किन किन चीजों को जो है उत्सुकतावश देखा, किन चीजों को उसने अनूठा पाया। इसी में एक और कड़ी है 5.3 में, जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं, संचार की एक अनूठी प्रणाली। संचार की एक अनूठी प्रणाली में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इब्न बतूता ने भारतीय संचार प्रणाली को जो है कितना महत्व प्रदान किया। सबसे पहले देखिए, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य ने जो है विशेष उपाय कर रखे थे। विशेष उपाय बताया है इसे व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए। लगभग जो है सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह भी स्थापित किए गए थे। देखिए, मार्गों पर सराय और विश्राम गृह जो है यात्रियों के लिए ही होते हैं या फिर व्यापारियों के लिए होते हैं, तो इस प्रकार से बहुत अच्छी व्यवस्था थी साम्राज्य में। इब्न बतूता जो है डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर जो है बहुत चकित हो जाता है। वो पाता है कि व्यापारियों के लिए जो है ऐसी संचार व्यवस्था के माध्यम से न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार जो है प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि जो है अल्प सूचना पर माल भेजना भी, यानी कि कम समय में ही सूचना मिल जाती थी, माल चला जाता था और माल भेजने की सूचना भी आ जाती थी। अब डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहाँ इसका वर्णन इस इब्न बतूता ने इस प्रकार से किया है कि जैसे सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में वैसे तो 50 दिन लगते थे, लेकिन गुप्तचर जो है खबरें जो है दिल्ली तक सिंध से लेकर के वो केवल 5 दिनों में ही पहुंचा देते थे। अब देखिए, इतनी महत्वपूर्ण जो है डाक व्यवस्था थी। बच्चों ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप जो है नोट कर लें कि कितने दिन में जो है खबर सुल्तान तक पहुंच जाती थी और कितने दिन दिल्ली तक जो है सिंध से पहुंचने में लगते थे। ये 2 नंबर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है या 1 नंबर का। अब देखिए, एक जो है इसमें नीचे घोड़े पर और पैदल, स्रोत 10 में दिया हुआ है कि घोड़े पर और पैदल, यानी कि 2 प्रकार की यहाँ पर डाक व्यवस्था का वर्णन किया जाएगा इब्न बतूता के द्वारा जो उसने उस समय देखी। अब जो अश्व, एक तो अश्व डाक व्यवस्था थी और एक थी पैदल, जो पैदल जो है दौड़ करके एक जो है सूचना पहुंचाने वाला दूसरे तक वो सूचना पहुंचाता था और फिर वो आगे इसी प्रकार से बढ़ती चली जाती थी। पहली जो है अश्व डाक व्यवस्था, इसमें जो है इसे उलूक नाम दिया गया है। हर 4 मील की दूरी पर जो है राजकीय घोड़े जो थे वो रहते थे, स्थापित रहते थे, और पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं। इसे क्या कहते हैं, दावा कहा जाता है, यानी कि 1 मील पर जो है 3 अवस्थान होंगे और यह 1 मील का 1/3 होता है। 1 मील में 3 जगहों पर जो है सूचना पहुंचाने वाले मिलते थे। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला जो है एक गांव होता था, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिनमें लोग जो है कार्य आरंभ करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से 2 प्रत्येक के पास जो है 2 हाथ लंबी छड़ होती थी, उसके ऊपर घंटी लगी होती थी तांबे की वो भी। जब संदेशवाहक जो है शहर से यात्रा आरंभ करता है तो हाथ में एक हाथ में पत्र रहता है उसके और दूसरे हाथ में क्या रहता है, घंटियों सहित जो है छड़, और क्षमता अनुसार वह तेज भागता है। और जब मंडप में बैठे हुए लोग जो होते हैं उन्हें जब घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जो छड़ उसके हाथ में होती है पहले सूचना वाहक के, तो वे तैयार हो जाते हैं वो संदेश लेने के लिए और वो छड़ लेने के लिए, और फिर बहुत ताकत से जो है
दूसरा संदेश वाहक वहाँ से भाग जाता है उसे वहीं पर, और पहले वाला वहीं पर जो है आराम के लिए रुक जाता है। इसी प्रकार से सूचना आगे चलती जाती है और अपने गंतव्य तक चलती जाती है। इसी प्रकार से अब इब्न बतूता का कहना है कि इसका प्रयोग जो है अक्सर जो है खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था। किसका? पैदल डाक व्यवस्था का। खुरासान के फल जो है मेन रूप से यहाँ पर हम खजूर को लेंगे, क्योंकि खजूर जो है काफी जो है उधर होता था और काफी प्रिय भी था यहाँ पर सल्तनत काल में। ऊपर देख लेते हैं, एक विचित्र देश। विचित्र देश जो है अब्दुल रज्जाक ने जो है 1440 में जब अपना यात्रा वृतांत लिखा तो उसके जो संवेग थे, उसके अंदर जो भावनाएं थी और अवबोधन थे, उसने जो है उनका एक रोचक मिश्रण जो है प्रस्तुत किया है। एक और केरल में कालीकट, जिसे आधुनिक कोझिकोड कहा जाता है, बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय उसने नहीं माना, क्योंकि उसने कहा कि यहाँ पर ऐसे लोग बसे हुए थे जिसकी उसने जो है कभी कल्पना भी नहीं की थी। कैसे लोग बसे हुए थे जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। इसमें बच्चों एक फैक्ट ये भी है नोट करने लायक, ऊपर वाला देखिए आप, केरल के जो है कालीकट का जो बंदरगाह है जहां पर पुर्तगाली यात्री भी आएंगे बाद में, वास्को डी गामा, उसका आधुनिक नाम जो है वो दिया गया है कोझिकोड। तो इस प्रकार जो है इसे आप नोट कर लें, ये बंदरगाह है वर्तमान समय में भी। इन लोगों को उसने जो है एक विचित्र देश बताया, कौन जो बंदरगाह पर बसे हुए थे उसे अच्छे नहीं लगे, किंतु जब वो अपनी बात में भारत यात्रा के दौरान जो है मंगलोर आया, मंगलोर भी कर्नाटक का हिस्सा है, और पश्चिमी घाट को उसने पार किया तो उसने एक ऐसा मंदिर देखा कि जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। उसने एक ऐसा पूजा स्थल देखा 9 मील के भीतर, मंगलोर से 9 मील के भीतर देखा, और उसे जो है पूरे विश्व में अतुलनीय बताया। और उसमें जो मूर्ति लगी हुई थी वो आदम कद अर्थात मनुष्य के ऊंचाई जितनी थी, और आंखों में, दोनों आंखों में काले रंग के माणिक इतनी चतुराई से लगे हुए थे कि ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे आंखें देख रही हूं। तो इस प्रकार कारीगरी का भी काफी वर्णन किया है। तो इससे मतलब कुल मिलाकर हम ये निकाल सकते हैं जो एक संदर्भ के रूप में, एक निचोड़ के रूप में, कि जहां कहीं कुछ कमियां भी थी वहीं कुछ जो है खासियत भी जो है यात्रियों को देखने को मिली। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं कि अब आ जाता है पॉइंट 6, बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। अब बर्नियर, चूंकि फ्रांसवा बर्नियर के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, फ्रांसवा बर्नियर जो है यूरोप से आया था और विशेषकर फ्रांस से था उसका संबंध, और उसने जो भारत को लिया है किस, क्या बताया उसने भारत को, अपविकसित पूर्व के बारे में उसने ऐसा कोई टाइटल दिया है, यानी कि भारत को उसने पूरी तरीके से अपविकसित पाया, यानी कि विकसित नहीं था, सुविधाओं का अभाव था। इन मायनों में जो है हम इसे ले सकते हैं, या कुछ चीजें जो है जिनका वो अभी क्रिटिसिज्म करेगा, आलोचना करेगा, वो हम अभी इसमें देखेंगे। देखिए बच्चों, वैसे तो मैं आपको जो जो है वन लाइनर नोट्स के रूप में भी इसे पढ़ा सकती हूँ, चैप्टर का एक जो है मेन मेन पॉइंट्स आपको समझा सकती हूँ, लेकिन उसकी वजह क्या है कि आपके 2 नंबर के जहाँ क्वेश्चन है वे तो तैयार हो जाएंगे बच्चों, लेकिन जब 5 मार्क्स और 10 मार्क्स की बात आएगी, 5 और 7 मार्क्स की बात आएगी, वहां पर अपने आप को आप अधूरा पाएंगे। तो इसलिए जो है मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊं आपको, ताकि आप किसी भी चीज से वंचित ना रहें, और जब क्वेश्चन लिखने का, क्वेश्चन का आंसर लिखने का समय आए तो आप कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा एक बात और वीडियो के बीच में मैं कहना चाहूंगी कि आपको यदि कुछ लगता है कि
कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उनका जो है सॉल्यूशन यथाशीघ्र करने का जो है हर संभव प्रयास करूंगी। चलिए इसमें देखते हैं कि जहाँ जो है इब्न बतूता क्या किया है, क्योंकि देखिए पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को नगर से आया था और ऐसी जगह से आया था जो भारत से कम विकसित थी, और जबकि बर्नियर फ्रांसवा बर्नियर जो था ये ऐसी जगह से आया था फ्रांस से जो यूरोप से जो संबंध रखता है, जो भारत से कुछ ज्यादा विकसित थे, तो इसलिए जो है दोनों के वर्णन में अंतर मिलना एक स्वाभाविक सी चीज हो जाती है। उसे हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से दोनों में डिफरेंस है। देखिए जहाँ इब्न बतूता ने जो है हर चीज का वर्णन किया है और वो अनूठेपन के कारण जो है वो प्रभावित रहा है, हर चीज के भारतीय चीजों का उसने अनूठापन जो है देखा है और उनसे वो प्रभावित भी रहा है और उत्सुक भी हुआ है। वही बर्नियर जो है एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। बर्नियर क्या था? एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा उसे जो है वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में जो व्याप्त स्थितियां थी उनसे तुलना करता था तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित रहता था। मतलब उसका जो एक देखने का नजरिया था वो ये था कि किस प्रकार से तुलना की जाए भारत की यूरोप और विशेषकर फ्रांस की परिस्थितियों से, और भिन्नताओं को उजागर करना, आलोचना करना, ये चीजें उसके अंदर कुछ ज्यादा थी। विशेष रूप से किन चीजों का जो है उसने जो है ये डिफ्रेंशिएट जो है एक अलग आलोचनात्मक चीजों का को दिखाने की कोशिश की, वे क्या चीजें थी? वे स्थितियां थी जिन्हें उसने अवसादकारी पाया। अवसादकारी अर्थात मनुष्य के लिए जो जीने के लिए उचित परिस्थितियां नहीं थी। उनका उसका विचार जो है नीति निर्माता तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। अब उसका उद्देश्य क्या था कि जो है ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करना जो निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। अब बर्नियर का ग्रंथ कई बार आ चुका है बच्चों, ये तो आपको रट लेना चाहिए, इसे अलग से आपको नोट भी करने की जरूरत है कि बर्नियर का ग्रंथ क्या था, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और ये आज नहीं सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा और रखा जा रहा है। आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए जो है उल्लेखनीय है क्या इसका ग्रंथ। अब उसने जो है अपने वृतांत में जो चर्चा किए हैं उसमें मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से जो है वैश्विक ढांचे में उसने फिट करने का प्रयास किया है, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो चल रहा था उसमें उसने मुगल चीजों को दिखाने का जो है प्रयास किया है कि क्या इसमें ये ढांचे में फिट बैठती हैं। अब वे क्या करता है इसके लिए, वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना जो है तत्कालीन यूरोप से करता रहा, सामान्यतया रूप यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए। अर्थात जो है उसने जो है जितनी भी चीजें देखी उन सबको जो है यूरोप से तुलना करता रहा और यूरोप की श्रेष्ठता दिखाता रहा। उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है, यानी कि दो चीजों को लेकर चल रहा था वो और दोनों को एक दूसरे के विपरीत बता रहा था। ये भी जो है एक फैक्ट है जो याद करने लायक है, लिखने लायक है, इसे आप नोट कर लें। जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया या फिर यूरोप का विपरीत भारत को एक दूसरे को जो है विपरीत दिखा दिया, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं, उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध जो है किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को क्या हो, निम्न कोटि का लगे। अर्थात जो है उसने जो है भारत को पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि के रूप में भारत को प्रदर्शित किया पश्चिमी दुनिया के सामने। अब सबसे पहले तो जब वो बात करता है
6.1 में फ्रांसवा बर्नियर में बात किया की है 6.1 में भूमि स्वामित्व का प्रश्न, अर्थात मुगल साम्राज्य में भूमि स्वामित्व जो है किस प्रकार का था, इसके बारे में उसने काफी व्यापक जो है चर्चा की है। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच जो है मूल भिन्नताओं में से एक क्या था, भारत में भूमि जो है उसका निजी भू स्वामित्व नहीं था, भूमि का निजी स्वामित्व का क्या था, अभाव था। अब अभाव कैसा था, उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था, जबकि वो विश्वास कर रखता था कि निजी भू स्वामित्व होना चाहिए। अब निजी भू स्वामित्व से आपके मन में भी आ रहा होगा कि निजी भू स्वामित्व क्या था। निजी भू स्वामित्व का उसका कहने का अर्थ ये है कि जो किसान उस पर खेती कर रहा है वो भूमि जो है भूमि का मालिक उसे ही माना जाए, और ऐसा उसने मुगल साम्राज्य में नहीं पाया। तो उसने जो है कहा कि भू स्वामित्व का अभाव होना एक बहुत बड़ी जो है कमी है, या यूं कहें कि एक अभाव है, और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए जो है हानिकारक माना। क्यों? क्योंकि मुगल साम्राज्य में सारी भूमि का स्वामी किसे माना गया, जो है सम्राट को, और भूमि जो है मुगल साम्राज्य का जो सम्राट था वो कहाँ भूमि को जो है वितरित करता था, उसने ये भी बताया है, कहाँ वितरित करता था, अमीरों के बीच, जो उसके उच्च पदाधिकारी थे उनके बीच में जो है बांट देता था, और इसके जो है अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम हुए, ऐसा जो है इब्न बतूता का कहना है। इस प्रकार का उद्बोधन बर्नियर तक ही सीमित, इब्न बतूता का नहीं बर्नियर का कहना है, और इस प्रकार का उद्बोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में ऐसा वर्णन मिलता है। अब देखिए मुगल इतिहास क्या कहता है या मुगल इतिहासकारों ने क्या लिखा वो एक अलग बात है, क्योंकि हम इस अध्याय में जो है मेन रूप से बात उनके बारे में कर रहे हैं जो भारत में यात्री आए, तो पहले उनका मंतव्य जान लेना आवश्यक हो जाता है। बाद में जो है चैप्टर 8 में जो है इसका खुल करके जो है हम वर्णन पढ़ेंगे कि भू स्वामित्व किसका था वास्तव में मुगल साम्राज्य में, वो एक अलग बात हो जाती है। फिलहाल हम यात्रियों की दृष्टि से इस अध्याय को लेकर चलेंगे। लेकिन राजकीय भू स्वामित्व के कारण बर्नियर क्या तर्क देता है कि भूधारक अर्थात जिसके पास भूमि थी, जो भूमि पर खेती कर रहा था, वह जो है उस भूमि को अपने बच्चों को नहीं दे सकता था। अब भूमि बच्चों को नहीं दे सकता था, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उनमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति जो है उदासीन थे। देखिए किसान को जब पता है कि ये भूमि मेरे बच्चे के पास नहीं जाएगी, मैं नहीं दे सकता, तो वो उसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए यानी कि दूरगामी निवेश यानी कि उसे और ज्यादा उपजाऊ बनाना या और ज्यादा उसमें खेती करना, उसके प्रति जो है उदासीन हो जाते थे वहां किसान, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उन्हें जब चाहे भूमि से बेदखल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो है प्रश्न की ओर चलते हैं, उसमें देखते हैं। इस प्रकार जो है निजी भू स्वामित्व के अभाव ने जो है क्या किया, बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में भी उसने बताया है कि ऐसा ही था, बेहतर जो है भूधारक जो थे भूमि ग्रहण करने वाले वर्ग सामने नहीं आए, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते, इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश हो गया, किसानों का असीम उत्पीड़न होता रहा, ये जो है एक प्रकार से कमियां हैं इस व्यवस्था की, किसानों का असीम उत्पीड़न होता रहा था, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में भी अनवरत पतन की स्थिति जो है उत्पन्न हुई सिवाय शासक वर्ग के। देखिए शासक वर्ग तो धनाढ्य वैसे भी रहना ही था, क्योंकि भूमि से या अदर सोर्सेस से या व्यापारियों से जहां से भी जितना भी कर जाता था वो सब कहां जाता था, शासक वर्ग के
पास जा रहा था, तो इसलिए शासक वर्ग तो जो है बहुत अच्छी जिंदगी जो है बिता रहे थे। सारा उत्पीड़न किसे झेलना पड़ रहा था? किसानों को। गरीब किसान के बारे में स्रोत 11 में दिया हुआ है, उससे पहले जो है थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर जो है भारतीय समाज में जो है समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जन समूह से बना वर्णित करता है। अब वो क्या कहता है कि भारतीय समाज को देखिए, बर्नियर ने क्या कहा है, ये बच्चों नोट कर लेना, ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है कि भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के जन समूह के रूप में उसने बताया, अंडरलाइन कर दिया है मैंने, इसे जो है आप नोट कर लेना, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते थे। देखिए शासक वर्ग को बहुत ज्यादा तो होंगे नहीं, अल्पसंख्यक क्यों होंगे, और अधिकांश संसाधनों पर उनका अधिकार था, तो इसलिए उनका जो अमीर होना भी जो है एक स्वाभाविक सी चीज है। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र का कोई भी वर्ग भारत में उसने नहीं बताया है। अर्थात बर्नियर का यह कहना है कि भारत में मध्यम वर्ग था ही नहीं। ये भी एक नोट करने वाली चीज है कि बर्नियर का जो है बड़े विश्वास के साथ वो क्या कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, ऐसा जो है बर्नियर ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। अभी देखिए काफी वर्णन जो है रह जाता है, भारतीय भूस्वामित्व के विषय में चर्चा करने के लिए उससे पहले जो हमने छोड़ दिया है वो कुछ चीजें देख लेते हैं। पहले तो देखिए गरीब किसान का एक चित्र जो है दिया गया है, 19वीं शताब्दी का है। अब किसान को देखिए किस प्रकार से एक लंगोटी में दिखाया गया है, ऊपरी वस्त्र भी कोई धारण नहीं किया हुआ है, हाथ में जो है डंडा है, निश्चित रूप से कुछ पशुओं से या फिर कीट पतंगों से रक्षा के लिए, और बैल को देखिए किस प्रकार से जो है किसान को ले जाते हुए दिखाया गया। अब देखिए बैलों से बड़े बड़े भूखंडों पर कृषि करना तो स्वाभाविक था नहीं, क्योंकि आज का युग तो उस समय नहीं था कि ट्रैक्टर से खेती की जाए, ट्रैक्टर तो उस समय नहीं थे, फिर भी जो है किसान जितना चाहे उतना कर सकते थे। अब व्यापक गरीबी ये हमने छोड़ दिया है। ब्लू बॉक्स, देखिए बच्चों मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ हर वीडियो में कि चाहे ब्लू बॉक्स हो चाहे पिंक बॉक्स हो, आपके जो भी बॉक्सेस में सूचनाएं होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हें नोट कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। पेल्सर्ट नामक एक डच यात्री था, वो भी 17वीं शताब्दी में के आरंभिक दशक में भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। बर्नियर की तरह ही वह भी लोगों में व्यापक गरीबी को देखकर अचंभित था, अर्थात गरीबी तो थी, ये नहीं कह सकते कि बर्नियर ने अकेले ही ऐसा वर्णन किया है, डच यात्री भी जो है ऐसा वर्णन करता है, वह अचंभित था इस बात को देखकर। लोग इतने जो है अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। देखिए किस प्रकार से जो है कितना एक मार्मिक बात जो है यहाँ तक कह दी है, वो बहुत ध्यान देने लायक है। किसानों की स्थिति क्या रही होगी, कृषकों को इतना अधिक निचोड़ लिया जाता था कि पेट भरने के लिए भी उनके पास जो सूखी रोटी भी थी वो बड़ी मुश्किल से बचती है। अभी नेक्स्ट फिर देख लेते हैं, एक स्रोत है 11, गरीब किसान। यहाँ भी गरीब किसान का जो है बर्नियर ने वर्णन किया है, ग्रामीण अंचल में कृषक किस प्रकार से थे उसने बताने का प्रयास किया है। उसने कहा है कि हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियां या बंजर पर्वत ही हैं, यानी कि बहुत सी भूमि जो थी वो केवल रेतीली पड़ी हुई थी और बंजर पड़ी हुई थी। यहाँ की खेती जो है अच्छी नहीं है, इन इलाकों में आबादी भी कम है, यानी कि जहाँ जो है खेती अच्छी नहीं थी वहाँ आबादी भी नहीं थी
और यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का अच्छा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं, यानी कि जो कर वसूलने वाले थे गवर्नर, उनके वे इतना बुरा व्यवहार उनके साथ करते थे श्रमिकों के साथ कि वो मर भी जाते थे। गरीब लोग जब जो है अपने लोभी स्वामियों की मांग को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें जो है जीवन निर्वहन करने वाले साधन, देखिए जीवन निर्वहन करने वाले साधन क्या है, उनकी भूमि, उनसे जो है उन्हें वंचित कर दिया जाता था और उनके बच्चों को भी दास बना लिया जाता था। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश होकर किसान जो है गांव भी छोड़ देते थे। यानी कि बहुत ही मार्मिक वर्णन जो है बर्जर ने यहाँ पर किया है। अब अभी बचा हुआ है हमारा इसके बारे में कि किस प्रकार से जो है किसान जो है उस समय जिंदगी बिताते थे या कृषक समुदाय किस प्रकार से थे, अन्य जनता किस प्रकार से रह रही थी। 132 पृष्ठ पर इसे जो है हम कंटिन्यू करेंगे कल। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए और जो है इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आया है वो हम जब ये पूरा हो जाएगा तो उसे तभी लेंगे ताकि हम उसका जो है एक सुदृढ़ और एक बढ़िया उत्तर जो है बता सकें आपको। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जो मैंने इस पॉइंट्स बताए हैं उन्हें अवश्य नोट कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें जो है आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।